स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने सुला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्लोह में जिला स्तरीय सहकारिता दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने की, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि सहकारिता को एक जन आंदोलन के रूप में अपनाने का संकल्प लेने की जरूरत है, जिससे जिला कांगड़ा को सहकारिता के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार सहकारी क्षेत्र में प्रदेश को देश का सिरमौर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सहकारिता का जन्मदाता हिमाचल प्रदेश है। वर्ष 1892 ऊना जिला के पंजाब गांव के मियां हीरा सिंह ने पहली बार सहकारिता सभा का गठन किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी सहकारी सभाएं नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। प्रदेश का 90% से अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन सहकारी सभाओं के माध्यम से वितरित किया जा रहा है और लगभग 35% बैंकिंग कार्य सहकारी बैंकों व सहकारी सभाओं के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला का नाम 1002 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं और इसमें 80% लाभ पर चल रही हैं, जिनके लाखों सदस्य हैं। उन्होंने अधिकारियों से घाटे वाली सभाओं को भी लाभप्रद बनाने के लिए सहयोग की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रदेश के मंडी तथा सोलन जिला में 163 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत सहकारी विकास परियोजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना में 39 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 147 सहकारी सभाओं को लगभग 30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। जिनसे गांव के लोगों को सॉफ्ट लोन देने का प्रावधान, लोगों की जीवन की आशा के रूप में वो सहकारी सभाएं काम कर रही हैं। और हिमाचल प्रदेश, मैं देख रहा था कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के रंजीत राणा जी भी यहां पर बैठे हैं। बहुत सी भ्रांतियां पिछले दिनों में कई प्रकार की फैलाई गई, बैंक खत्म हो रहा है, बैंक को बचाने वाला कोई नहीं। सरकार में हम हैं, हमने कहा था लोगों की मेहनत का खून पसीने के की कमाई हुई वो राशि इस बैंक के कुल जमा में, उन खातों में जमा हुई है, इसलिए ये बैंक डूबेगा नहीं, ये बैंक खत्म नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो पहले डायरेक्टर्स थे उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी क्षमता के अनुसार काम किया होगा, उन्होंने बहुत कुछ किया, पर जब जो नई व्यवस्था बनी है वो भी अधिक मेहनत से काम करें, तालमेल के साथ काम करें। अगर उनका कभी वर्षों के उपरांत समय कार्यकाल समाप्त हो तो लोग ये कहें। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद शांता कुमार और स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार का कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक देश के शीर्ष 10 संस्थानों में से एक है और भविष्य में भी बैंक को बुलंदियों पर ले जाने के लिए बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारी परिवार के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता का जन्मदाता हिमाचल प्रदेश है और सहकारी क्षेत्र में प्रदेश शीर्ष पर पहुंचना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सहकारिता से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होने से आर्थिक उन्नति का सूत्रपात हुआ है। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों से बैंक की ओर और उन्नति के लिए सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांगड़ा बैंक के प्रति लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, जो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भविष्य में बैंक प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में और अधिक सशक्त रूप से कार्य करेगा। कार्यक्रम में भाजपा पालमपुर संगठनात्मक जिला के अध्यक्ष विनय शर्मा, कांगड़ा जिला सहकारी संघ समिति के अध्यक्ष कर्नैल राणा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक रंजीत राणा, सुला भाजपा मंडल अध्यक्ष देशराज शर्मा, महामंत्री चंद्रवीर आदि उपस्थित रहे।
जिस प्रदेश ने सहकारिता की मिसाल को उठाकर पूरे देश में लेकर गए, वो प्रदेश इस क्षेत्र में मित्रों पिछड़ना नहीं चाहिए। आज कर्नाटक हमसे आगे जा रहा है, आज महाराष्ट्र हमसे आगे निकल रहा है। मुझे लगता है कि एक्सपोजर पूर हमारे होते होंगे, कोशिश करूंगा यदि सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वहां जाकर देखने का कि वहां क्या ऐसा काम हो रहा है कि हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स जाते होंगे एक्सपोजर टूर के ऊपर, तो मेरी आपसे भी प्रार्थना है और आपके सहकार से जुड़े हुए एक वित्तीय संस्थान का अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है, मेरी जिम्मेवारी भी बनती है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रार्थना करेंगे उनसे कि हिमाचल प्रदेश पिछड़ना नहीं चाहिए, ये मशाल हमने जलाई है, तो मशाल कोई और प्रदेश आगे लेकर कैसे जाए, वो मशाल हिमाचल के पास रहनी चाहिए।